हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय चैनल नेम इज़ जोक्स एट द IQ। जोक्स अड्डा। सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट, बिकॉज़ कई बार मैं मैथ की वीडियो डालती हूँ और साथ में करंट अफेयर की रोज़ाना जो है आपकी वीडियो लगभग डलती है। वीकली MCQ होते हैं आपके, और मैथ में ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक होती है। एक बार आप एवरेज का टॉपिक देखे देखिए, अगर अगर आपके काम की वो चीज़ नहीं है तो आप अपने आसपास के जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं या जिनको शॉर्टकट नहीं मिल पाते हैं, थोड़े टाइम में वो इसको कर सकते हैं और मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं। तो जैसे आज का हमारा करंट अफेयर है 3 फेब का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज मैं आपको कल की कुछ जो है MCQ भी करवाऊंगी, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उनके जो MCQ फॉर्म में है ये क्वेश्चन, जिनको आप फटाफट देख लीजिए ताकि आपको कल वाला भी रिवाइज हो जाए साथ ही साथ में। जैसे देखिए, वेटलैंड एंड वाटर्स इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है कब मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी, वेटलैंड एंड वाटर्स डे जिसकी थीम थी। तो इसका आंसर है 2 फेब। 2 फेब को ये मनाया जाता है। 1 फेब को क्या होता है, 1 फेब को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे होता है। आपको पीछे वाले भी रिवाइज हो जाएंगे। 27 को इंटरनेशनल डे ऑफ होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे होता है। 30 जनवरी को मार्टिर डे, गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। 24 को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और एक डे और होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम मनाते हैं। इसमें MP ने एक जो है स्कीम भी अपनी लॉन्च की थी। ओके, तो ये डे हो गए आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2, हु अज्यूम द चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 1 फेब 2021। 1 फरवरी 2021 को आर्मी स्टाफ के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, यानी उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है। तो इसका आंसर है चंडी प्रसाद मोहंतंकी ने इसका कार्यभार संभाला। ये RS शर्मा कौन है, ये है एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी के हेड है ये। किस कमेटी के हेड है ये, बनी थी आपकी कोविड वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कमेटी बनी थी, जिन इस कमेटी के हेड थे उमेश सिन्हा। कौन है, डिप्टी इलेक्शनल कमिश्नर। उमेश सिन्हा कौन है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। ये भी अभी अपॉइंट हुए थे। और इसी तरीके से संदीप जैन, ये भी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है। और आगे है सिद्धार्थ मोहंतंकी, ये रह गए, ये है LIC के MD है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड लिप्रोसी डे 2021 वाज ऑब्जर्व ऑन विच डे, किस दिन मनाया गया, 31 जनवरी को। वैसे ये कब मनाया जाता है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। इस बार कब मनाया गया, 31 जनवरी को मनाया गया। 10 जनवरी को क्या होता है, वर्ल्ड हिंदी डे। 10 जनवरी को होता है आपका वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस डे। और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। ओके, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 14 जनवरी को आर्म फोर्स डे, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। आगे देखिए, ए बुक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर इज ऑथर्ड बाय होम। एक बुक है यस मैन, ये जिसका नाम क्या है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, ये किसके द्वारा अथर की गई थी, पवन सी लाल के द्वारा ये अथर की गई थी। बाकी ये भी राइटर है वमन एस। पवन सी एस प्रभु
मनोहर पारिकर के ऊपर बुक है, ऑफ मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड इसकी है। एस के कुरेशी, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिकल ऑफ इंडिया इन इंडिया इसके हैं। कौनसम हिमालय सिंह, ये मेकिंग ऑफ ए जर्नल हिमालय इच्छो के बुक है, बुक के राइटर है ये, ऑथर हैं। आर गिरधरन जो है राइट अंडर नोट्स, राइट अंडर नोट्स के ये जो है ऑथर हैं। आगे देखिए, हु हैज़ लिफ्टेड द कवर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी आफ्टर डिफेक्टिंग बड़ौदा बाई 7 विकेट इन फाइनल एट द सरदार पटेल स्टेडियम इन अहमदाबाद। किसने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में बड़ौदा को फाइनल में 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी पर कब्जा किया है, तो तमिलनाडु ने। ओके आगे देखिए, विच मेट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू यूज़ अल्ट्रा वायलेट रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोच, कौन सी मेट्रो ने सबसे पहले जो है सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वोल्टेज वॉलेट रेज किरणों का उपयोग किया है, तो इसका आंसर है लखनऊ, लखनऊ ने ये किया है। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ये रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। आगे देखिए, तो आगे हम आज की जो है करंट अफेयर करेंगे, कुछ ध्यान से देखिए। तो आज की करंट अफेयर देखिए, इंडियन आर्मी भव्य लाल, इंडियन अमेरिकन भव्य लाल वाज अपॉइंटमेंट बाय नासा एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द US स्पेस एजेंसी। भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को नासा के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, यानी नासा के एक एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं, भव्या लाल जो है ये बनी है। आगे देखिए, बबुल सुपीरियो अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंटर फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट। बबुल सुपीरियो ने अनाउंस किया है इस्टेब्लिश करने का क्या एक सेंटर किसके लिए, फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टलेबल मैनेजमेंट चेन्नई के लिए, इसके अंतर्गत जो है ये इसका पार्ट है नेशनल सेंटर का, तो इन्होंने अनाउंस किया ये सेंटर बनाने की जो अनाउंसमेंट की है। आगे देखिए, अगला देखिए, असम चीफ मिनिस्टर सर्वानंदा सोनोवाल लॉन्च 2 स्कीम। असम के जो चीफ मिनिस्टर है सर्वानंदा सोनोवाल, उन्होंने 2 स्कीम लॉन्च की है, कौन कौन सी, प्रयाग भारती, प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव। 2 स्कीम है प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव, टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंट टू कॉलेज स्टूडेंट एंड लिटरेरी बॉडी ऑफ द स्टेट, यानी कॉलेज के छात्रों और संस्थानीय साहित्य संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 2 स्कीम का जो है शुभारंभ किया है। आगे देखिए, पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह लॉन्च द हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। हर घर सफाई मिशन एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स कंपेन टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ 100% पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई इन ऑल रूरल हाउसहोल्ड। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति को लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार के अभियान के तहत क्या लॉन्च किया है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। आगे देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल इनॉग्रेटेड द 30th एडिशन ऑफ एरो इंडिया। राजनाथ सिंह जो है एरो इंडिया का 13वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, ये कहाँ पे होगा, ये जो है बेंगलुरु में होगा। ओके आज से। आगे देखिए, कैबिनेट हैज़ अप्रूवल प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टील मेकर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL। कैबिनेट ने स्टील बनाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के निजीकरण को मंजूरी दी है, यानी इनका प्राइवेटाइजेशन होगा। अभी
बोला है इसने, आगे देखो क्या होता है। वाई विश्वनाथ गोड हैज़ ए अपॉइंटमेंट दैट एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? वाई विश्वनाथ गोड जो है इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट एन एक्सटर्नल प्रोफेशनल आईटी फर्म फॉर कैरिंग आउट ए स्पेशल ऑडिट ऑफ एचडीएफसी एंटायर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आरबीआई ने एचडीएफसी के संपूर्ण आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष ऑडिट करने के लिए एक बाहरी पेशेवर आईटी फर्म की नियुक्ति की है। और आज का जो हमारा स्टैटिक का जो पॉइंट है वो है दिल्ली। तो इसको हम करते हैं, देखिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कंपेन, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, रोजगार बाजार योजना, ऑपरेशन सील्ड, एवरी होम ए स्कूल, एवरी पेरेंट्स ए टीचर, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कंपेन, कोड ए थोन कोडिट कंपेन, रेड लाइट गाड़ी ऑफ, ये कंपेन। तो ये मैंने कल भी करवाया था, आज भी आइए, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। माई हार्टली रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।